नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक के एक वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट, जो कि नाम है उसका हीमोहिम प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आशा करता हूँ ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटॉमिक के प्रोडक्ट से रिलेटेड करंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हीमोहिम का प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसा कि आप देख रखे हैं ये साउथ कोरिया से आया है अभी। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की जो पॉपुलरिटी है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। ठीक है, ये इसके अंदर एक बुकलेट है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टोटल कोरियन लैंग्वेज में है। ठीक है, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट है इसके अंदर, एक में छः हैं टोटल, सिक्स है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो छः, ठीक है, तो इनको आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एटॉमिक का जो हीमोहिम का जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, एटॉमिक का जो ये प्रोडक्ट है ये 8 साल की रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले, और जो इसके जो पाउच देख रहे हैं आप, ये 120 ml का, ये 20 ml का पाउच है। ठीक है, 20 ml, 20 ml का पाउच है ये, एक पाउच, एक पैकेट में 6 आते हैं। ठीक है, ये 8 साल का साउथ कोरिया का रिसर्च प्रोडक्ट है, जो कि वहाँ पे रेडिएशंस वगैरह काफ़ी हैं, उससे बचाने के लिए लोगों को एक रिसर्च की गई थी कि ये प्रोडक्ट ऐसा बनाए जिससे लोगों को रेडिएशन का इफेक्ट कम हो और उनकी हेल्दी लाइफ हो। ठीक है, जो रेडिएशन से मैक्सिमम कैंसर होता है, और कैंसर से बचने के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो एक जो डब्बा है उसके अंदर 6 पाउच हैं टोटल, एक पैकेट के अंदर 60 है, 60 पाउच हो गए। ठीक है, तो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो कोलमार BNH ने की है, और अभी काफ़ी कंट्रीज़ में कोलमार कंपनी का जो प्लांट है वो सेटअप हो चुका है वहाँ पे। तो 8 साल का ये रिसर्च प्रोडक्ट है और FDA से सर्टिफाइड है, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोरिया, वहाँ से सर्टिफाइड है। और इसका जो टेस्ट है वो हर्बल है, और इसको जो बनाया है उनका नाम है डॉक्टर हुआंग नूंग यांग, जो कि कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, और कैरी कोलमार, ठीक है, और जो रिसर्च सपोर्ट की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने अप्रूव है, और साउथ कोरिया के जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं कैरी के अंडर, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इसका ट्रायल किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इफेक्टिव रहा है। हम ये काम क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, इम्यून सेल्स कमज़ोर हो जाती है, तो सेल्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो जाता है सेल्स में, और सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो डेफिशिएंसी होने से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम आपका डाउन हो जाता है, और छोटी छोटी बीमारियाँ, सर्दी खांसी जुकाम आपको लग जाता है इजीली। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो सेल्स कमज़ोर होती चली जाती हैं, और सेल्स में पावर नहीं रहती इम्यून सिस्टम में, धीरे धीरे वो डिक्रीज हो जाता है बुढ़ापे तक, आपका जो एज है, शरीर है, आप भी फील करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इसमें 3 प्रकार के एडिबल हर्ब्स ऐड किए गए हैं। फर्स्ट है एंजिला, जो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये 3 हर्ब्स अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो फर्स्ट है एंजिला रेडिक्स, सेकेंड है सिनेडियम रिजोमा, थर्ड है पोनिया रेडिक्स। जो 3 प्रकार के जो ट्रीज आप देख रहे हैं ये इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसका ये मिक्सचर है, और उसके अलावा इसका जो इफेक्ट है वो RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्स को इम्प्रूव करता है, और इम्यून सिस्टम की जो बॉडी है उसको, आपके जो सेल्स की एनर्जी जा चुकी है और सेल्स वीक हो चुके हैं, ऑक्सीडेट स्ट्रेस उस पर काफ़ी बढ़ चुका है, ऑक्सीडेटिव नहीं है वो, तो सेल्स में जा करके ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उनको, और जो सेल्स है उसको रीजनरेट करता है, ऑक्सीडेशन उनको, सेल्स को रीएनर्जाइज करके जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करता है, ऑक्सीजन सेल्स को सेंड करता है, और सेल्स में एनर्जी आने से वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरा रीजनरेट करता है ये। ठीक है, तो रीजनरेट करने के बाद क्या है कि जो रिकवरी है आपकी इम्यून सिस्टम की, वो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से धीरे धीरे आ जाती है। जैसे रिकवरी आपकी बॉडी की हो जाएगी तो ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है KFDA से अप्रूव्ड है, कोरियन फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, और हीमोहिम का जो ये डेफिनेशन देख रहे हैं आप, हीमोहिम, ठीक है,
हीमो, हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, जो आपके ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ठीक है। हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, और इसका जो पूरा नाम है हीमोग्लोबिन का, हीमोहिम का, हीमो हीमोपेटोसिस प्लस इम्यून मॉड्यूलेशन हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है हीमोमेटोसिस प्लस इम्यून मॉड्यूलेशन हीमोग्लोबिन, ठीक है। आई का मतलब इम्यून है, एम का मतलब मॉड्यूलेशन है, एच का मतलब हीमोग्लोबिन हीमोपेटोसिस इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन। तो ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। और ऊपर वाले हीमो का मतलब है हीमोग्लोबिन, तो आपके हीमोग्लोबिन को बैलेंस करता है ये बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट होती है, तो ये क्या करता है कि लंग्स में ऑक्सीजन को भेजता है, और ऑक्सीजन क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट बर्न हो चुके हैं हमारी बॉडी के उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर बर्न हो चुके हैं उनको एनर्जी और पावर प्रोवाइड करती है, और बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है हमारा पूरे बॉडी का, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। हीमोपोसिस में हीमोपोसिस बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इम्यून सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स प्लस हीमोग्लोबिन। तो हीमोपोसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है शरीर में, और ये आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म उसको मेंटेन करके रखता है। और दोस्तों ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हेल्थ, ये मेडिकल मेडिसिन नहीं है, ये एक हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट है, जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स जो कम हो जाते हैं आपकी बॉडी में, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम को दोबारा सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमारी बॉडी को री एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी जो सेल्स होती है उनको रीजनरेट करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और जो बोन मैरो में हमारे एनके सेल होती है, एनके, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि एन कैंसर कैंसर कैंसर, रात को लो सुबह कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि रात को लो सुबह कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैंसर क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और जो कैंसर सेल्स हैं वो बॉडी के सारे सेल्स को कवर कर लेती है, ठीक है। तो अगर आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो वो सेल्स आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, हमारी बोन मैरो में जो एनके सेल्स होती है, एनके सेल्स टोटली पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, जो बॉडी का बोन मैरो है, बोन मैरो बोल रहा हूँ मैं आपको, हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो, जो कि आपका पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। बोन मैरो के अंदर सेल होती है जिसका नाम है एनके सेल, तो ये एनके सेल्स को रीजनरेट करता है, ऑक्सीजन जितने भी सेल्स डेड हो गए उनको पावर प्रोवाइड करता है, और एनके सेल्स रीजनरेट होने के बाद जो रिपेयर हो गई हैं स्ट्रेस के कारण, डाउन थी या रीजनरेट नहीं थी या एनर्जी नहीं थी, तो उस प्रक्रिया को ये कंप्लीट करता है, इनके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो धीरे धीरे सेल्स स्ट्रॉन्ग होते होते जो भी डिजीज है उसको कवर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पूरे बॉडी में आपकी सेल्स को कवर कर लेती हैं वो, और आपका इम्यून सिस्टम अगर इम्प्रूव हो गया तो बॉडी में जो भी डिजीज है वो और नहीं बढ़ेगी, जो डिजीज हो रखी है आपको। और जैसे जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक होता चला जाएगा, धीरे धीरे आपके जो भी बीमारी है वो कवर होता चला जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों में ये हेल्पफुल है। तो हीमोहिम लेने से पहले आपको पता करना है कि हीमोहिम का किस तरह से यूज़ होता है और इसको किस तरह से लेना चाहिए। इसको लेने के लिए ये है, आपको सुबह खाली पेट ले सकते हैं आप इसको, ठीक है, खाली पेट ले सकते हैं। ये पाउच है, यहाँ से आपको इसको कट करना है, ठीक है। और इसको सुबह खाली पेट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो 40 साल हैं 35 से 40 वो दिन में दो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार का है और आपको क्या हो रखा है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो खाली पेट ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। मैंने इसको शुरू कर दिया है, ठीक है, मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह का है, हर्बल टेस्ट है इसका, ठीक है। तो आपको इसको पूरी तरह से यूज करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये यूज़ करना है दोस्तों। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।